बुलंदशहर के मलिन बस्ती में शुक्रवार सुबह अचानक अपनी टीम के साथ पहुंची जिलाधिकारी की पत्नी और जिलाधिकारी ने हाथों में झाड़ू थाम ली और झाड़ू लगाते हुए लोगों को स्वच्छता अभियान के तहत अपने आसपास स्वच्छ रहने का संदेश दिया। इस दौरान डीएम की पत्नी के साथ उनके एनजीओ की कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। सभी ने साफ सफाई कर सरकार के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए बस्ती के लोगों को जागरूक किया। वहीं इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्याओं को भी सुना। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के साठा मलिन बस्ती में शुक्रवार को बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय कुमार और उनकी पत्नी माधवी सिंह पहुंची। यहां उनकी पत्नी ने महिला समिति के बैनर तले स्वस्थ भारत अभियान के तहत एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने बस्ती में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने भी झाड़ू थाम ली। इसके बाद मलिन बस्ती में सफाई की। इस मौके पर महिला समिति बुलंदशहर एनजीओ की अध्यक्ष डीएम की पत्नी माधवी सिंह ने कहा कि हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, गरीब के घर सफाई रहे, जिससे वे बीमारियों से दूर रहे। वे भी इस बात को समझे और अपने आसपास सफाई रखे। इसी कड़ी में आज एनजीओ ने बस्ती में सफाई अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बस्ती के लोगों की समस्याओं को भी सुना। उधर उनकी पत्नी ने बस्ती में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए शासन को पत्र भी लिखा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहर को साफ रखना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे एक बस्ती है हमारी, कौन सा हम लोग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य इतना था कि यहाँ पे कुछ गंदगी समिति ने पाया की है और महिलाएं बहुत टाइम से चाह रही थी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो कि दो साल से समिति थोड़ा नहीं पड़ी हुई, तो हमने सोचा अच्छे से बनाया जाए और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे तो क्या विकास करेंगे। तो हमारा समिति का एक ही नया लोगो है कि पहले स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ बुलंदशहर और स्वस्थ हमारा। मैम कुछ अनियमितता मिली है? कुछ अनियमितता थोड़ी ये है कि यहाँ पे डस्टबिन की कमी है जो कि हम। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।